फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ करेंगे। स्प्लिट स्क्रीन आपको यहाँ पर सेटिंग दिया गया है, इसके बारे में आपको मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर से पहले एक बात और कह चाहूँगी, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्प्लिट स्क्रीन जो है, यहाँ पर दो एप्लीकेशन को आप एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, एक ही स्क्रीन पर एक ही समय पर यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, इसी को इस्तेमाल करना मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे आप सेटिंग ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा और काफ़ी सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पर मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, मान लीजिए ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पर स्वाइप अप विथ थ्री फिंगर इनेबल स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है। ये आपको बता दूँ कि जो एप्लीकेशन है, जो स्प्लिट स्क्रीन है, जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, उसी पर अप्लाई होता है। जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सेटिंग, इस पर अप्लाई कर सकते हैं आप। प्ले स्टोर वगैरह सब पर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो चलिए दिखाते हैं आपको। इसके लिए मान लीजिए सेटिंग मैंने ओपन किया, ठीक है, और थ्री फिंगर से स्वाइप, इस तरीके से स्वाइप करना है आपको। ये देखिए, ऐसे स्वाइप कर लेंगे आप, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर आपको सेटिंग ओपन, यहाँ पर दूसरा सेटिंग आप यहाँ पर चाहे तो यूट्यूब ओपन कर सकते हैं, या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप अपन यहाँ पर जो है एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई भी सेटिंग क्लिक कर लेंगे आप। देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो स्प्लिट स्क्रीन, ऐसे ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी वीडियो चलेगा और यहाँ जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। मान लीजिए आपको ऊपर के नीचे नीचे की ओर करना है, तो उस पर क्लिक कर देंगे सेटिंग पर, तो ये ओपन कर नीचे नीचे का ऊपर हो जाता है स्क्रीन सेटिंग, जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो चलिए हटाते हैं इसको, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा और फुल स्क्रीन में हो जाएगा। मान लीजिए और भी आपको सेटिंग यूज़ करना है, एक और तरीका होता है यहाँ पर इस्तेमाल करने का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये है मल्टीपल टास्किंग बटन, पर क्लिक कर देना है। और मान लीजिए आपको स्प्लिट स्क्रीन ओपन करना हो उसकी जगह, तो ओपन कर सकते हैं किसी भी सेटिंग पर आप चाहें तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन, इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर कॉल सेटिंग या फोटो, फेसबुक आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फेसबुक ओपन कर लिया है, जैसे कि आप देख पाएँ यहाँ पर फेसबुक ओपन हो चुका है। और किसी भी सेटिंग पर इसे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पर सेटिंग में आपको कुछ करना हो, इनेबल करना हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हो, तो जो भी कुछ यहाँ पर करना है कर सकते हैं आप। यहाँ पर वीडियो आप चला सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे आप वीडियो कुछ यूज़ करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और वीडियो चला सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फोटो वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे ही यूज़ कर लेना है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर फेसबुक ऊपर करना है और सेटिंग नीचे करना है, तो उस पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। ये देखिए, हो चुका। तो ऐसे आपको इस्तेमाल कर लेना है सेटिंग को, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। तो ये था दूसरा तरीका। एक और तरीका होता है इसको, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर इसको हटाते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो हट जाएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्लेस दूसरा सेटिंग ओपन कर देते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए यहाँ पर है गूगल क्रोम है, ओके। अब यहाँ पर मल्टीपल टास्किंग, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना है, तो मल्टीपल टास्किंग बटन है, मिनी वाइज बटन और ये बैक बटन, दोनों को लॉन्ग प्रेस करना है इस तरीके से, और तब भी यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये हो चुका है स्प्लिट स्क्रीन मोड में। और यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन, यहाँ पर आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम ओपन करी, ओके, तो इंस्टाग्राम पर जो है यहाँ पर देख लेते हैं अप्लाई होता है या नहीं। तो ये इंस्टाग्राम पर ये अप्लाई नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन हाँ फेसबुक पर ये अप्लाई हो रहा है, जिसके आपको बताई थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर जो और भी सेटिंग है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, उस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि गूगल मैप हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से गूगल मैप आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो मान लीजिए इधर आपको व्हाट्सअप चलाना है, तो व्हाट्सअप पर यहाँ पर बातें कर सकते हैं, यहाँ पर चैट कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई यूट्यूब चलाना है, तो यहाँ पर सॉन्ग चला सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं आप। ये था सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको हटाने के लिए इस पर क्लिक कर देना है, ये हट जाएगा। ये था सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।